फिल्म है, जैसा कि नाम ही बता रहा है, और ये हमारी 17 साल की स्वतंत्रता सेनानी मार्टायर कनकलता बरुआ की ऊपर ये फिल्म है, जिसमें और एक दूसरा कैरेक्टर है उर्मिला, मेरा नाम भी उर्मिला है और कैरेक्टर का नाम भी उर्मिला है। वो इस जमाने की, इस समय की एक आतंकवादी, जिसे हम कहते हैं सशस्त्र संग्राम में विश्वास रखती है, उनकी कहानी है। उनकी जरिए हम कनकलता बरुआ को इस फिल्म में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जानना चाहूंगा कि फिल्म की शूटिंग के दौरान कैसा एक्सपीरियंस था और जो स्टार कास्ट है उसके बारे में बताइए, कौन से स्टार कास्ट है। स्टार कास्ट है, लेट मी टेल यू वन थिंग दैट आई एम एक्टिंग ग्रेजुएट फ्रॉम FTII। तो मेरे जो सीनियर निपन गोस्वामी सर, वो इसमें है, सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस फिल्म में। जो हीरो है, जिनका काम इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन हीरो है फिल्म में, तो वो एक न्यू कमर है असम से, क्वाइट पॉपुलर एक्टर इन असम, देवाशीष बौर ठाकुर उसका नाम है। और उसके अलावा काफ़ी नामी नामचीन एक्टर एक्ट्रेसेस है फ्रॉम असम। हाँ, जो ये फिल्म असम के बैकड्रॉप में हुई है, जब शूटिंग के दौरान काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे इस फिल्म के लिए, बिकॉज स्वतंत्रता सेनानी का किरदार निभा रही थी तो उनके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आते थे जो हमें करना पड़ रहा था, हमें एक्ट करना पड़ रहा था, उन लोगों ने तो सचमुच किया था। जब मैं फिल्म कर रही थी तब मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि मुझे ये मौका मिला 17 साल की मार्टायर को पोर्ट्रे करने के लिए और भारत के सामने प्रस्तुत करने के लिए, उनको लेके आने के लिए। ये फिल्म ना कि भारत से भारत के बाहर भी काफ़ी ओवरसीज रिलीज़ होने वाली है 5 अगस्त को, तो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। उर्मिला जी, आपने बताया कि FTII से आपने एक्टिंग कोर्स किया है, आपको मालूम है कि FTII से कितने बड़े बड़े हस्तियों ने कोर्स किया है, राजा मुराद हो, जया बच्चन हो, मिथुन चक्रवर्ती हो, शबाना आजमी, तो कैसा एक्सपीरियंस था और कितना ज़्यादा आपने सीखा वहाँ पे और कितना काम आ रहा है ये? FTII में मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि FTII को मिनी बॉलीवुड कहा जाता है। वहाँ पे हमारे काफ़ी सीनियर एक्टिंग के, जैसे कि जया बच्चन मैम हो, शबाना आजमी मैम हो, नसीर साहब हो, ओमपुरी साहब हो, काफ़ी लंबी लिस्ट है एक्टर्स की, तो हम लोग उनके लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं। आई फील वेरी ऑनर्ड एंड प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, प्रिविलेज्ड आई फील। और क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन टेस्ट है वो ईजी नहीं है, 3-3 राउंड कम्प्लीट करके ऑल ओवर इंडिया में हमें सिर्फ 12 लोगों को एडमिशन मिलती है, तो इट वॉज क्वाइट टफ। आपके साथ एक पूछना चाहूँगा, उर्मिला नाम आपको पता है, उर्मिला मालोत्रा ने कितना नाम किया है बॉलीवुड में और कितना ज़्यादा बोल्ड रोल किया, तो आप भी पूछे अगर कोई बोल्ड रोल आपको मैं बिलीव करती हूँ अच्छी स्क्रिप्ट होगी तो किसी भी तरह के किरदार में करना पसंद करूँगी, क्योंकि एक्टर का काम ही होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करे, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स को लोगों के सामने लेके आए, ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू। यहाँ आने की वजह यह है कि जब मैं मुंबई में आया तो आने के वक्त ही, मतलब हफ्ते 10 दिन के अंदर जो मुझे मिला था वो महमूद भाई थे, और तब से मेरी दोस्ती है महमूद से, मैंने फर्स्ट फिल्म बनाई थी तब भी महमूद ही मेरे साथ थे, तो तब से उनसे दोस्ती है। और जब उन्होंने कहा कि भाई आज आना है, हालांकि मैं आज अभी दुबई जाने वाला था शाम को, तो मैंने फ़्लाइट चेंज की कल के लिए और उनके लिए मैं यहाँ आया। ओके, यू नो, फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूरब की आवाज़। पूरब की आवाज़, जो एक लाइन मैंने सुनी है, जो उन्होंने मैं मुझे शॉर्ट में बताया है कहानी, कि भाई एक लड़की है आज जो टेररिस्ट है, और 1947 में वो अंग्रेज़ों के खिलाफ भी वही लड़की लड़ी है, तो दोनों ज़िंदगी उसने देख ली है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी लाइन है, और उम्मीद करता हूँ कि फिल्म भी बहुत अच्छी बनी होगी। ओके, 2-3 दिन पहले हमने आपको रेड कार्पेट बता दिया, रेड कार्पेट देखा था सरब जीत, आपका रिव्यू हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, और यू नो, अब तो बहुत लोग आपको ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, फेम के साथ भी जुड़ रहे हैं आप, और फेम के लिए खास एक्सपीरियंस भी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सरब जीत के? और सरबजीत में भी, वहाँ सरबजीत के प्रीमियर पे भी मैं इसीलिए गया था क्योंकि भूषण साहब ने मुझे बुलाया था और वासु जी ने भी बुलाया था, तो इसलिए मैं गया था। वैसे मैं प्रीमियर वगैरह पे फिल्म देखता नहीं हूँ क्योंकि मेंटली बहुत ही
पॉजिटिव हो जाते हैं जब हम किसी के बुलावे पे फिल्म देखते हैं, और एक ये एहसास रहता है कि यार उन्होंने फिल्म देखने के लिए बुलाया तो शायद कुछ अच्छा ही बोलें। तो इसलिए मैं जाता नहीं हूँ, मैं थिएटर में फिल्म देखता हूँ, बट उनके लिए मैं गया था। फिर भी मैंने जो मुझे लगा वैसा ही मैंने रिव्यू दिया, और मुझे फिल्म इतनी अच्छी नहीं लगी, और आज जो फिल्म की ओपनिंग है वो भी बहुत कमज़ोर है। तो मेरे ख्याल में जैसा मैंने रिव्यू दिया है, बिजनेस तकरीबन फिल्म उतना ही करेगी और वैसी ही रहेगी। नहीं, देखिए ऐश्वर्या ने जो उसमें एक्टिंग की थी जज्बा में, वो बहुत ही ज़्यादा लाउड थी, बहुत चिल्लाती थी, वैसी ही सेम प्रॉब्लम ये है कि सेम वही कॉपी उन्होंने यहाँ की है, सरबजीत में भी की है। वो यहाँ भी बहुत लाउड हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं, पाकिस्तान में जाके चिल्लाना कि भाई बुलाओ तालिबान को कहाँ है, या पाकिस्तान के आर्मी मैन को आप पाकिस्तान में जाके उंगली दिखाना और डरा देना, ये मेरे ख्याल में बायोग्राफी में नहीं हो सकता। ये अगर आप एक फिक्शन बना रहे हो तो उसमें हो सकता है, बट जब आप बायोग्राफी बनाते हो तो बायोग्राफी का मतलब ये है कि आपको रियल दिखाना है जो हुआ था, और वो फिल्में वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि रणदीप और ऐश्वर्या की दोनों की एक्टिंग बहुत ज़्यादा लाउड है। मुझे नहीं लगता कि सरबजीत भी रियल लाइफ में वैसा होगा। तो मुझे लगता है कि दर्शन कुमार की कहीं एक्टिंग बेटर थी, उन्होंने अपने रोल को शायद बेटर तरीके से निभाया। मेरा प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, आज मैं पूरब की आज वो तो जब बनेगी बनेगी, बट आज मैं पूरब की आवाज़ के लिए यहाँ आया हूँ, तो उसी के बारे में आप मुझसे पूछें तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये तो फीमेल रिपोर्टर्स को और सुहेल भाई को पता होगा कि क्या हुआ होगा, मैं तो वहाँ नहीं था तो मुझे पता नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ। सर एक मिनट सर।